नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज, द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर में मरीजों को घटिया तरीके से दिया जा रहा खाना और दूध में पानी की मिलावट अधिक मात्रा में दी जा रही। वहीं ठेकेदार रविंदर पांडे से बात करने पर पता चलता है कि शासन द्वारा इसी प्रकार दूध देने को बताया गया है। वहीं डॉक्टरों का अपनी कुर्सी पर नदारद होने की बात सामने आई है। सुबह के 9:30 बज चुके थे, अभी तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर अंदर बने शौचालय का बुरा हाल देखा गया। स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे यहां के आला अधिकारी। जो दूध आप वितरण करती हैं, ये कितने लीटर में कितने लोगों को देती हैं आप? सर, जिस तरह से मरीज होते हैं उस तरह से दूध आता है। जैसे मरीज यहाँ 10 मरीज हैं, तो 10 मरीज के लिए दूध कितना आया, कितने लीटर आए? वो ठेकेदार ही जानते हैं कि कितना मरीज है, कितना आता है। जो आता है वही हम गर्म करते हैं, चीनी मिलाते हैं और मरीज को बांट देते हैं। ठेकेदार का क्या नाम है? हम ठेकेदार का नाम भी नहीं जानते हैं। ठेकेदार कहाँ के हैं? हाँ, उनको अस्पताल में सब पाड़े जी कहते हैं। एक लीटर में कितना पानी डालती हैं? पानी हम डालते ही नहीं, जैसा आता है वैसा गर्म करके बांट देते हैं। अब जहाँ से बांधा गया है, जहाँ से आता है वही जाने, हम क्या जाने। अभी हम बलरामपुर से CP मिश्रा की रिपोर्ट।